नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से क्रिप्टो क्लब हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी डोज कॉइन को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में। अगर आप भी बेबी डोज कॉइन की कम्युनिटी के मेंबर्स हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले अगर आपने अभी तक क्रिप्टो क्लब हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो अभी कर ले, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बेबी डोज कॉइन के बारे में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, वह निकल के आ रही है ट्रेडर्स कॉइन की तरफ से। यहां भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ट्रेडर्स कॉइन ने ट्वीट किया कि हे बेबी डोज कॉइन एंड ट्रेडर्स कम्युनिटी टीआरडीसी कम्युनिटीज, वी कम बैक अगेन, स्टेक टीआरडीसी एंड अर्न बेबी डोज कॉइन। मतलब अगर आप इस ट्रेडर्स कॉइन नाम की वेबसाइट पर अगर आप इस टीआरडीसी को स्टेक करते हैं तो फिर आप बेबी डोज कॉइन में वहां स्टेकिंग करके बहुत अच्छा खासा मुनाफा अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप इस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, पहले कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। यहां देख सकते हैं टीआरडीसी नाम की एक बहुत ही शानदार वेबसाइट के द्वारा यह बहुत ही बेहतरीन सुविधा खोली गई है, जिसमें अगर आप टीआरडीसी को स्टैक करके रखते हैं तो फिर आपको बेबी डोज कॉइन में अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। वहीं अगर हम अगली अपडेट की बात करें तो वह निकल के आ रही है इंडोनेशिया की तरफ से। यहां भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इंडोनेशिया का जो ट्विटर हैंडल पेज है उसमें यहां देखिए लगातार जो बेबी डोज कॉइन की आर्मी है लगातार अपने को ट्रेंड होती हुई नजर आ रही है, जो कि एक बहुत बेहतरीन बात है और साथ में यह साफ यह स्पष्ट करती है कि किस प्रकार से पूरे मार्केट में अपने को बेबी डोज कॉइन की हाइप देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम अगली की बात करें तो वह निकल के आ रही है, यहां देख सकते हैं एक बेबी डोज कॉइन की ये एक इन्फ्लुएंसर की तरफ से, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर बेबी डोज कॉइन के ट्विटर हैंडल पर लगभग 65,000 के आसपास और फॉलोअर्स हो जाए तो बेबी डोज कॉइन का जो फॉलोअर अकाउंट है वह लगभग 1 मिलियन को क्रॉस कर जाएगा। मतलब लगातार जो भी बेबी डोज कॉइन में लगातार इन्वेस्टर्स है, होल्डर्स है, लगातार जुड़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छी खासी मार्केटिंग अपने को बेबी डोज कॉइन की अपने को देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम अगली अपडेट की बात करें तो वह निकल के आ रही है, यहां देख सकते हैं गिग्नेटिक लगातार यह स्पष्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी अपने को बेबी डोज कॉइन में ग्रीन कैंडल्स बनती हुई नजर आएगी और साथ ही साथ में अपने को बहुत अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट आने वाले समय में अपने को बेबी डोज कॉइन में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम अगली अपडेट की बात करें तो वह निकल के आ रही है बेबी डोज कॉइन के होल्डर्स की तरफ से, जिसमें से यहां देख सकते हैं लगभग 8 बेयर मिनिमम 10% ऑफ योर 28.6 मिलियन यूजर्स। मतलब बाइनेंस के जो लगभग 28 मिलियन यूजर्स है उसमें से लगभग 10% लोग तो यह चाहते हैं कि बेबी डोज कॉइन की लिस्टिंग अपने को बाइनेंस पर देखने को मिलनी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बाइनेंस पर बेबी डोज कॉइन की अपने को लिस्टिंग देखने को मिलेगी, कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। वहीं यहां देख सकते हैं कॉइन गेको में एक लिस्ट जारी की, जिसमें उन्होंने एशिया के टॉप 10 कॉइन्स की जिस लिस्ट जारी की है, जिसमें यहां देख सकते हैं बेबी डोज कॉइन इस लिस्ट में जगह बनाए हुए हैं। यहां देख सकते हैं नंबर 9th पर बेबी डोज कॉइन जो आर्मी है वह लगातार अपने को ट्रेंड करती हुई नजर आ रही है, जो कि साफ यह इंडिकेट करती है कि बेबी डोज कॉइन जो आने वाला समय है वह बेबी डोज कॉइन का रहने वाला है। और साथ ही साथ में माजेस्टिक भैया जो कि शिबा इनू कॉइन के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, वह भी लगातार बेबी डोज कॉइन को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पेज पर प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ में बहुत बड़ी क्वांटिटी को लगातार बेबी डोज कॉइन की बाइंग कर रहे हैं और साथ साथ में गिवअवेज भी लगातार अपने को बेबी डोज कॉइन के माजेस्टिक भैया की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, हमने बेबी डोज कॉइन के बारे में जो बड़ी अपडेट्स थी वह इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी वह सारी अपडेट्स आपको कवर कर दिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।